आज की क्लास में हम श्रवण जी के साथ एडवांस एक्सेल विथ फॉर्मूला की क्लासेस शुरू कर रहे हैं। एडवांस एक्सेल विथ फॉर्मूला हम आपके साथ शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक है हम बात कर रहे हैं सिलेक्शन मेथड की। हाउ कैन सिलेक्ट द डेटा, कि डेटा को हम किस तरह से सिलेक्ट करेंगे, आज हम इस बारे में बात करेंगे आपके साथ। जैसे कि आप यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि मेरे पास एक डेटा है, राइट। अब डेटा को सिलेक्ट करने के लिए जनरली आप क्या करते हैं, माउस से क्लिक करके डेटा को सिलेक्ट करते हैं। अगर माउस से ही डेटा को, अपने माउस से ही डेटा को सिलेक्ट करना है, तो हमारे पास एक और तरीका है। आप जो है सबसे स्टार्ट पे क्लिक करें, शिफ्ट को प्रेस करें और सबसे लास्ट पे क्लिक करें। ओके, आप स्टार्ट में क्लिक करें, शिफ्ट के साथ सबसे लास्ट में क्लिक करें, आपका डेटा सिलेक्ट हो जाएगा। तो मतलब कि सिलेक्ट करते हुए कंटिन्यू जाने की जरूरत नहीं। कीबोर्ड से आप सिलेक्ट करते हैं तो कीबोर्ड सिलेक्ट करने के लिए आप शिफ्ट की को प्रेस करते हैं एंड एरो की को आप यूज करते हैं, राइट। इस तरह राइट सर। एक और तरीका है, आप कंट्रोल ए भी करते होंगे। राइट सर। कंट्रोल ए करते हैं तब पता है वो कंट्रोल ए किसको ट्रिगर करता है। देखिए, जो भी शॉर्टकट है जो आप प्रेस करते हैं, कंट्रोल सी आपने कर लिया या कंट्रोल डी कर लिया, वो मेनू बार के किसने किसी ऑप्शन को कॉल करते हैं, ट्रिगर करते हैं। तो आपका जो ए है, ए ट्रिगर करता है आपको किसको, स्पाइन एंड सिलेक्ट के गो टू स्पेशल के अंदर यहां करेंट रीजन आप देख पा रहे होंगे। करेंट रीजन को जैसे हम ओके करेंगे, पूरा का पूरा करेंट रीजन सिलेक्ट हो जाता है। लेकिन जब कंट्रोल में करते हैं तो छोटी सी प्रॉब्लम होती है, इसका ध्यान रखिएगा। जैसे आपके डेटा में ब्लैंक रो है, अब जब कंट्रोल ए करेंगे तो ऊपर का सिलेक्ट होगा, ब्लैंक के नीचे का सिलेक्ट नहीं होगा, राइट। क्योंकि कंफ्यूज को फॉलो करता है। अगर किसी एक सेल में भी डेटा हुआ, पूरी की पूरी रो ब्लैंक होने पे सिलेक्ट नहीं करता है, लेकिन किसी एक सेल में डेटा हुआ, देन हम कंट्रोल ए करके डेटा को सिलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है। सेम कॉलन में होता है कि अगर आपके पास कॉलन है, अगर आपने यहाँ पे कंट्रोल ए कर दिया तो आपके सिलेक्ट होगा, डेटा सिलेक्ट नहीं होगा। ओके, राइट राइट। अब यहाँ पे अगला ऑप्शन जो आता है वो आता है ए, कि यहाँ पे एक चीज और भी होता है कि जैसे आप यहाँ पे इस तरह से फालतू का डेटा सिलेक्ट रखा हुआ है, आप कंट्रोल ए करेंगे, ए भी सिलेक्ट हो जाता है क्योंकि कंटिन्यूस को फॉलो करता है। अब बात करते हैं कर्सर को मूव करने का तरीका। अगर जैसे मुझे सबसे लास्ट में जाना है तो कंट्रोल के साथ डाउन एरो प्रेस करूंगा, सबसे लास्ट में आ जाऊंगा। कंट्रोल के साथ लेफ्ट अप राइट इस तरह से इस्तेमाल करेंगे तो डेटा हम राइट मूव हो जाएंगे। ठीक है राइट। अब इसकी प्रॉब्लम हो सकती है कि अभी कहीं कहीं पे अगर हमारे पास ब्लैंक रो हुआ तो ब्लैंक रो होने पे क्या होगा कि आपका कर्सर नहीं पहुंच जाएगा। बिल्कुल सही बात है, ब्लैंक पे लगे छोटा सा है। छोटा सा जो डेटा है उसमें क्या है, तो दिक्कत नहीं है, बड़े डेटा पे दिक्कत होगा। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, एक जो एक सिंपल तरीका यूज करते थे सबसे लास्ट में जाने का, कि ऊपर में हम 61,000 लेके एंटर प्रेस करते हैं, नीचे चले जाते हैं और फिर कंट्रोल अप एरो से ऊपर चले जाते हैं, या फिर आप कंट्रोल ए तो कर ही सकते हैं, लेकिन कर्सर मूव करने की बात हो रही है, सिलेक्शन की बात नहीं हो रही है। अगर इसमें अगर सिलेक्शंस को भी लेके चलते हैं, आप चाहते हैं कि सिलेक्शंस को भी लेके चलें, ठीक है। तो इसमें आप शिफ्ट के साथ सिलेक्शन भी कर सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो एंड डाउन एरो, ठीक है, बेसिकली शॉर्टकट है उसका। जी। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास एक
एंड का होता है, अपने कीबोर्ड में एंड की देखेंगे, एंड की प्रेस करते कर्सर प्रेस करते सबसे लास्ट में चला जाता है। ओके, एंड होम की करते से मैं यहाँ पे सेलेक्ट किया, होम किया तो सबसे फर्स्ट में आ जाता है। लेकिन इसी में अगर कंट्रोल एंड करते हैं तो सबसे लास्ट में आऊंगा, और कंट्रोल होम करता हूँ सबसे ऊपर आऊंगा। अब एक चीज देख रहा हूँ, जब एंड की प्रेस करके एंटर प्रेस करते हैं तो कर्सर के जगह पे एन पे जा रहा है, एन पे जा रहा है। हाँ। क्यों जा रहा है एन पे? रीजन क्या जाने का? हेलो, रीजन क्या है सर जाने का? सो बेसिकली इसमें माइट बी वो जो हमने एक ब्लैंक का जो सेटिंग की थी ना अभी, राइट क्लिक नहीं, उसमें क्या होता है आपका जो एंड और होम का जो मेथड होता है वो होता है यूज्ड सेल के ऊपर, ठीक है ना? आपका डेटा कितना उससे मतलब नहीं कि आपने कितना सेल यूज किया है, भले ब्लैंक क्यों ना हो। अभी थोड़ा देर पहले मैंने यहाँ पे ए कुछ लिखा था ना, कैरेक्टर लिखा था यहाँ पे। हाँ हाँ, ए लिखा था। हाँ, इसलिए इसलिए जो है यहाँ पे पहुंच रहा है वो। अच्छा, मतलब जितना हमने यूज कर लिया। जी हाँ, और ऐसे ही कंट्रोल के साथ अगर होम प्रेस, कंट्रोल से होम प्रेस करते हैं तो सिलेक्शन हो जाता है। अब मल्टीपल सेल सिलेक्शन की हम बात कर लेते हैं। हम यहाँ पे कंट्रोल को प्रेस करते हैं और कंट्रोल को होल्ड रखते हुए डेटा को सिलेक्ट करते हैं। हाँ, ये तो सिलेक्ट कर सकते हैं ना, बिल्कुल। लेकिन ध्यान रखिएगा सिलेक्शन कब करेंगे, फॉर्मेटिंग वगैरह के लिए सिलेक्शन कर सकते हैं, उस पर कॉपी नहीं कर सकते। कॉपी करने के लिए सीक्वेंस की जरूरत है, जैसे कि आपने अगर एक ही रो में एक एक सेल सिलेक्ट किया हुआ है देन यू कैन कॉपी। मान लीजिए आपने दो या दो से ज्यादा सेल सिलेक्ट कर लिया है इसमें, और इसी कॉलर में आगे भी आपने सिलेक्ट किया हुआ है, अब इसको कॉपी किया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि सेम है। अब कुछ लोग बोलते हैं चार मैंने सिलेक्ट किया, और ठीक है जी में भी हम चार सिलेक्ट कर लेते थे और चार उन्होंने नीचे सिलेक्ट कर लिया, ये गलती है, ये नहीं होगा। अगर चार करना है तो सेम सी होना चाहिए, मतलब कि रो एंड कॉलम सेम तरीके से होना चाहिए, ठीक है, समझे सर? अब यहाँ पे आप सिलेक्शन में बहुत सारा गैप होगा, बट कॉपी करके कहीं पेस्ट करेंगे तो एक कंटिन्यूअस पेस्ट करेगा, गैप नहीं रखेगा, गैप नहीं आएगा। जी, समझ गया सर? ठीक है, अब इसी में हम बात करते हैं मल्टी सेल सिलेक्शंस की। जब मेरे पास मल्टीपल सेल्स है तो मल्टीपल सीट की बात कर रहा हूं मैं, कि मेरे पास कई सारे शीट्स हैं और मुझे एक साथ सारे शीट को सिलेक्ट करना है, तो मैं कंट्रोल से शिफ्ट के साथ पहले पे क्लिक करके लास्ट में क्लिक करूंगा तो मेरा सारा शीट सिलेक्ट हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप करता हूँ, जैसे मैंने टाइप किया डेट, डेट और आज का डेट मैंने यहाँ पे डाला। अब देखिए दिख रहा है, सभी जगह पे आ गया कॉपी, सारे शीट पे है, बिल्कुल। तो अगर आपने कंट्रोल प्रेस करके भी सिलेक्टेड सीट पे क्लिक किया, जिस पे क्लिक करेंगे वो सीट आपका एक्टिवेट होगा, ग्रुप हो जाए। अब मैं जो भी काम करूंगा ये सारे एक्टिवेटेड सीट जो है आपका उस पे वर्क होगा। और टाइम मैंने यहाँ पे अभी का टाइम डाल दिया, तो देखेंगे सीट 4 पे आपको टाइम नहीं मिलेगा बट सीट 5 पे मिलेगा। तो इस तरह से एक साथ आप मल्टीपल शीट्स पे डेटा एंट्री कर सकते हैं, बट ध्यान रखिएगा वो सेम लोकेशन पे होता है, डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे नहीं होता है, ठीक है। अभी मैंने बहुत सारे शॉर्टकट्स की बात किया, अब पता करना है कि आपको किस ऑप्शन पे क्या शॉर्टकट है पता करना हो तो कैसे पता करेंगे? देखिए उसके दो तरीके हैं, उस ऑप्शन के ऊपर जैसे आप कर्सर ले जाएंगे उसका शॉर्टकट, आपको एक लिस्ट चाहिए तो आप क्या करें, एक्सेल की जो हेल्प है, हेल्प में जाके आप शॉर्टकट सर्च करें, बट इसके लिए इंटरनेट का कनेक्शन होना चाहिए। आप देख पा रहे हैं कीवर्ड शॉर्टकट इन एक्सेल गेट हेल्प में, साइड में आपको कीवर्ड के सारे सिलेक्शन सारे शॉर्टकट्स है वो यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा, बट इंटरनेट कनेक्टिविटी होना चाहिए, इसका ध्यान रखिएगा, इंटरनेट कनेक्टिविटी चाहिए तो चाहिए, बिल्कुल सर, समझ गए? राइट।
अब क्या हम इसमें कुछ और भी सर्च कर सकते हैं, जैसे मुझे लिमिट्स को सर्च करना है कि किसकी क्या लिमिट्स है, तो यहाँ पे किसी ठीक भी है। ऑप्शंस के बारे में आप सर्च कर सकते हैं। अब कुछ लोग क्या होता है कि कुछ चीज ढूंढने के लिए जनरली वो गूगल का सहारा लेते हैं। आपने गूगल पे जाके शॉर्टकट लिस्ट या लिमिट्स या कंडीशनल फॉर्मेटिंग या पिवट टेबल कुछ भी सर्च कर लेते हैं, आपको रिजल्ट मिल जाता है। लेकिन इसका राइट ध्यान रखिएगा कि वो एक्सटर्नल सोर्सेज है, उसकी दी गई इंफॉर्मेशन 100% करेक्ट नहीं होती है। अच्छा रीजन है ठीक है क्योंकि वो प्रूफ रीडिंग नहीं है, वो हम जैसे आप जैसे लोगों ने आर्टिकल और वेबसाइट के जरिए डाला हुआ है। बट हेल्प जो है वो आपका माइक्रोसॉफ्ट का एक, इसका मान लीजिए कि एक्सेल का एक यूजर मैनुअल है। ओके तो आपको कुछ ढूंढना हो तो आप ट्राई कीजिएगा कि आप पहले एक्सेल हेल्प पे ढूंढ लें। एक्सेल हेल्प पे समझ में नहीं आती है या जो चाहता वो नहीं मिल रहा है आपको, तो आपको फिर गूगल पे सर्च कीजिएगा। तब क्या होगा कि गूगल पे जब दिखाएगा चीजें तो आपको पता चल जाएगा कि यार ऐसा तो हो नहीं सकता, एक्सेल हेल्प में कुछ और बताया ना। तो इसका ध्यान आप रख सकते हैं। तो किसी भी ऑप्शंस के बारे में जाइए और उसके बारे में आप यहां से पता कर सकते हैं, राइट। राइट अब देखिए हमें अपना अगला जो ऑप्शन आता है वो आता है कैलकुलेशन। तो लास्ट क्लासेस जब हम बात थ्योरिकल पार्ट कर रहे थे तो आपको मैंने रेफरेंसिंग सिस्टम के बारे में बताया था कि डॉलर साइन क्यों यूज की जाती है, राइट। राइट आज हम बात कर रहे हैं मैथमेटिकल कैलकुलेशंस की। जैसे हमने यहाँ पे 20 रखा, यहाँ पे 30 रखा। अगर मुझे 20 और 30 को ऐड करना है तो क्या करेंगे, हम जस्ट इसको प्लस कर देते, रिजल्ट आ गया 50। बिल्कुल हम यहाँ पे सम का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। तो सम का फॉर्मूला क्या है, इनबिल्ड फीचर है और ये हमने यहाँ पे मैथमेटिकल ऑपरेटर का यूज किया है। अब प्रॉब्लम ये है कि आपके पास बहुत सारे फॉर्मूले हैं, लेकिन ऐसा आप नहीं कह सकते कि आपके हर काम के लिए फॉर्मूला अवेलेबल है। ऐसा हो अच्छा सकता है किसी भी काम के लिए फॉर्मूला ना हो, लेकिन आपके पास मैथमेटिकल ऑपरेटर है, जैसे कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई ओके डिवाइड एंड पावर। अब चलिए इसकी एक एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मेरे पास क्वार्टर वन है, क्वार्टर टू है, एग्जांपल में लास्ट टाइम में भी बताया था आपको, 30 है एंड 40 है, मुझे ग्रोथ निकालना है। तो ग्रोथ का कैलकुलेशन होता है लेटेस्ट माइनस ओल्डेस्ट डिवाइड बाय ओल्डेस्ट। तो हमने ब्रैकेट के अंदर में लेटेस्ट माइनस ओल्डेस्ट डिवाइड बाय ओल्डेस्ट ले लिया, रिजल्ट आ गया। परसेंटेज में दीजिए, परसेंटेज में आ जाएगा। अब मान लीजिए एक और एग्जांपल की बात करें, तो मेरे पास प्रिंसिपल है, मेरे पास रेट है, मेरे पास टाइम है। मान लीजिए टाइम प्रिंसिपल हमारा 50,000 है, रेट हमारा जो है 10% है, और टाइम मान लीजिए हमारा 3 साल है। तो अमाउंट क्या होगा? हालांकि अमाउंट निकालने के लिए बहुत सारे फॉर्मूले हैं, लेकिन मैं अपने मैथमेटिक्स पे बिलीव करना चाहता हूँ। तो मैथमेटिक्स कहता है अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आर डिवाइड बाय एन पावर ऑफ टी मल्टीप्लाई बाय एन। ठीक है अब इसको यहाँ पे फॉलो करते हैं। तो अब यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा सा बड़ा है, तो यहाँ पे एक नई चीज सीखेंगे, कैलकुलेशन को ब्रेक करके फिर मर्ज कैसे करते हैं। तो मैंने ठीक यहाँ पे है लिखा, यहाँ पे 1 प्लस और ब्रैकेट में आर मतलब कि रेट डिवाइड बाय 12, रे मतलब कि एन हो गया नंबर ऑफ पेमेंट, तो 12 हो गया, मेरे मासिक है ना इसलिए। फिर मैंने इसमें टाइम को मल्टीप्लाई कर दिया 12 से। अब इन दोनों की पावर निकाल देता हूँ पावर के सिंबल से, देन पी में मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो आप देख पा रहे हैं रिजल्ट आ गया हमारे पास। अब इनको बिल्कुल आपस में कंबाइन कैसे करेंगे? अब इसको कंबाइन करने के लिए हमें इसको सिलेक्ट करके कॉपी करते हैं, और यहाँ D12 है, D12 के अंदर ब्रैकेट में डाल के इसको पेस्ट कर देते हैं, मतलब कि मैं इसको अब डिलीट कर सकता हूँ। मतलब कि जो हमने अलग अलग रेफरेंसेस ले रखे हैं, उन रेफरेंसेस को हमने फॉर्मूले के अंदर में
उसके रेफरेंस के जगह पे ब्रैकेट में डाल के हम पेस्ट कर दे रहे हैं, समझे सर? समझ गए। तो इस तरह से अलग अलग करके हमने कैलकुलेशन को वेरीफाई किया, उसके बाद हमने मर्ज कर दिया, अब मेरा फॉर्मूला बन गया। अब इसमें कोई गलती के चांसेस नहीं है। अब मुझे यहाँ पे ले जाना है फॉर्मूले को, तो कॉपी पेस्ट करके मत ले जाइएगा, आप कट कर लीजिए और फिर पेस्ट कर दीजिए। ऐसे बड़े बड़े कैलकुलेशन को आप आसानी से कर सकते हैं इस फॉर्मूला मर्जिंग मेथड की मदद से।